नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया रोमांचक मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 18वें मैच की आपको पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं आपको क्या लगता है कि क्या फैफ ड्यूप्लेसी इस बार आरसीबी को चैंपियन बना पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 18वां मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम और आमने सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस। दोस्तों, एमआई इस आईपीएल में अपनी पहली जीत के इरादे से मैदान में उतरी और आज आरसीबी के कप्तान फाफ ड्यूप्लेसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन और दोनों ने शुरुआती ओवरों में ही चौके छक्के से टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 50 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन आरसीबी को पहली सफलता दिलाई हर्षल पटेल ने, जिन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित ने छोटी लेकिन एक तेज पारी खेली, उन्होंने 15 गेंदों में 26 रन बनाए। वहीं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको विंसो ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। इस आईपीएल में मैंने विंसो ऐप में फैंटेसी टीम बनाकर काफी पैसे जीते हैं। मुझे ये ऐप काफी पसंद है क्योंकि इस ऐप में आप एक्सपर्ट्स की मदद लेकर अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हो और आसानी से पैसे जीत सकते हो। ये ऐप एकदम सिक्योर भी है, तो अभी जाओ नीचे और दिए गए लिंक से डाउनलोड करो विंसो और तुरंत पाओ 50 रुपए का बोनस कैश भी। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इसके बाद ब्रेविस आए, उनके पास शानदार मौका था कि वो अपनी एबिलिटीज को दिखा सके, लेकिन 8वें ओवर में हसरंगा ने उन्हें LBW आउट कर दिया। ब्रेविस ने 8 रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा आए तो उन्हें मैक्सवेल ने शानदार रन आउट कर दिया। ये रन आउट ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर भी देखने लग गए कि आखिरी रन आउट किया किसने। आज तारीफ करनी होगी आरसीबी के गेंदबाजों की, जिन्होंने मुंबई के बल्लेबाजों को खेलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि 11वें ओवर में हसरंगा ने पुराण को शून्य पर LBW करके चलता किया। मुंबई जहां 50 पर एक थी तो वहीं 62 पर 5 विकेट खो चुकी थी। इसको देखकर तो लग रहा था कि मुंबई आज 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक छोड़ संभाल कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा और क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। हर्षल पटेल ने 14वें ओवर में रमनदीप सिंह को कार्तिक यादव कैच आउट करा दिया। रमनदीप सिंह ने 6 रन बनाए और इस तरह मुंबई का स्कोर 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 92 रन था। यहां से जयदेव उनादकट ने सूर्य कुमार यादव का अच्छा साथ दिया। वो ज्यादा स्ट्राइक सूर्य कुमार के पास दे रहे थे क्योंकि अब वो एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। फिर उन्होंने अपना गियर चेंज किया और चौकों और छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी और अपने इस आईपीएल में लगातार दूसरी आईपीएल 50 जड़ दी, जो कि उन्होंने 30 गेंदों में जड़ी। सूर्य कुमार यादव ने 19वें ओवर में सिराज पर 23 रन ठोक दिए। हालांकि आखिरी ओवर में जयदेव उनादकर के पास ज्यादा स्ट्राइक होने की वजह से केवल 7 रन आए और इस तरह मुंबई ने आरसीबी के सामने 151 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो हर्षल पटेल, वानिधु हसरंगा ने 2-2 विकेट, तो वहीं आकाशदीप ने 1 विकेट अपने नाम किया। अब जीत के लिए 152 रन बनाने के लिए आरसीबी की तरफ से फाफ ड्यूप्लेसी और अनुज रावत ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने संभल कर खेलते हुए ज्यादा रिस्क न लेते हुए हल्की शुरुआत की। दूसरे ओवर में अनुज रावत ने लगातार 2 छक्के मारे थे, लेकिन उसके बाद अगले 4 ओवरों में एक भी बाउंड्री नहीं आई, जिससे आरसीबी का स्कोर 6 ओवर में केवल 30 रन ही था। ड्यूप्लेसी आज रनों के लिए संघर्ष करते नजर आए क्योंकि वह 24 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर उनादकर की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। इसके बाद आए विराट कोहली और उन्होंने अनुज रावत का अच्छा साथ दिया और पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। कोहली भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते अनुज रावत ने अपनी आईपीएल की पहली 50 जड़ दी। आरसीबी ने 15 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 111 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन 17वां ओवर कराने आए उनादकर ने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अनुज रावत को रमनदीप की मदद से रन आउट कर दिया। अनुज रावत ने 47 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके शामिल थे। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी, जो कि आरसीबी के बल्लेबाजों ने आसानी से बना लिए थे और इस तरह ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने 36 गेंदों में 48 रन बनाए। वहीं दिनेश कार्तिक 7 और मैक्सवेल 8 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी की बात करें तो जयदेव उनादकट और डेवाल्ड ब्रेविस ने 1 विकेट लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई की टीम हमेशा कहां मात खा रही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।